वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हरियाणा में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, HSDMA जो हरियाणा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसे ओढ़ा है कि महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा में कुछ लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा में कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी और क्या खुला रहेगा, इसके बारे में मैं अपडेट देने जा रही हूँ। ये कल ही का नोटिफिकेशन है जो कल रात को जारी किया गया है, 1 जनवरी 2021 को, जिसमें ये बताया गया है कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 2 जनवरी 2022 से 5 बजे से 12 जनवरी 2022 तक स्टेट हरियाणा ये सब रूल फॉलो करेगा। अभी 2 से 12, 10 दिन के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, जिसके अनुरूप ताकि ओमिक्रॉन के जो केस बढ़ रहे हैं उसे रोका जा सके। तो इसके बेसिस पे जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए ग्रुप ए जो डेली किया गया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जो हाईली अफेक्टेड हैं उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, वो हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत। इन सब जिलों में सारे के सारे सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रिमेन क्लोज, वो सब बंद रहेंगे। जितने भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्टेडियम हैं, स्विमिंग पूल हैं, वो भी जो जितने भी हैं नेशनल और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सबके लिए ये विजिटर जो भी होते हैं उन सबके लिए बंद रहेंगे। और जितने भी एंटरटेनमेंट पार्क हैं वो भी बंद रहेंगे। ऑफिसेज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हैं वो भी इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विसेज के लिए फंक्शन करने के लिए सिर्फ 50% स्टाफ अटेंडेंस के साथ बुलाए जा सकते हैं, बाकी उसे बंद ही रखा जाएगा। मॉल और मार्केट जो है उसे भी ओपन जो है सिर्फ 5 बजे तक ही किया जाएगा, उसके बाद वो सब बंद रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट भी है उसमें भी 50% सीटिंग से ही अलाउ किया जाएगा। अब इसमें हरियाणा को दो जिलों में डिवाइड कर दिया गया है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है मैंने बताया, जैसे कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये सब फॉलो किया जाएगा, और जिन्होंने COVID-19 फुली वैक्सीनेशन किया जा कर चुके हैं वही अलाउ होंगे। सब्जी मंडी में या अनाज की मार्केट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पार्क में, रिलीजियस बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की शॉप या दारू या वाइन की शॉप जो होती है, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, LPG सिलेंडर, CNG स्टेशन, इन सब जगह पे, या फिटनेस जिम या योगशाला, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेज हैं उनमें वही बंदे जा सकेंगे जो कि फुली वैक्सीनेटेड होंगे। और ट्रक और ऑटो रिक्शा जो यूनियन है उन्हें भी फुली वैक्सीनेटेड पर्सन को ही अलाउ होगा, वो ट्रक और ऑटो रिक्शा चला पाएंगे। और COVID-19 वैक्सीनेशन जो है एलिजिबल पर्सन मोर देन 15 ईयर, मतलब 15 साल से ऊपर जितने भी हैं उन सबके लिए COVID-19 वैक्सीनेशन जरूरी है, अदरवाइज वो घर पे ही रहें। और जो सिटीजन हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज तो ले ली है लेकिन सेकेंड डोज नहीं ली है, तो उनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए आवश्यक है कि सेकेंड डोज वो जैसे ही एलिजिबल हों 84 दिन के अंदर उसी टाइम लगवाएं, और कोवैक्सीन जो है 28 दिन के अंदर लगाएं और डाउनलोड कर लें अपना सर्टिफिकेट सेकेंड डोज का, फर्स्ट डोज का। और जो स्मार्टफोन नहीं है उनके पास वो सक्सेसफुली में भी कंसीडर, और उनके जिनके पास नहीं है उन्हें टेस्ट मैसेज भी दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड हूँ। और वैक्सीनेशन स्टेटस देखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप होना भी जरूरी है। ये सब इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जगह जगह पर अब वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सकें। अब जो दूसरी ग्रुप ए डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो रिस्ट्रिक्शन नॉन ग्रुप जो हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो आप देखिए, उसमें ये है कि 100 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगा। DC जो है उसके लिए जिम्मेवार होगा, अगर वो परमिशन देता है तो ठीक है, और 100 मोर देन 100 की परमिशन नहीं दी जाएगी। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पा, जिम, रेस्टोरेंट, जो भी गोल्फ कोर्स है उसमें 50% सीटिंग होगी। स्कूल, कॉलेज, ये महत्वपूर्ण जो है वो है, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, आंगनवाड़ी, और जो हुई वुमन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो स्कूल क्रचेस चलते हैं वो इस स्टेट में पूरे के पूरे बंद रहेंगे।
और अगर कोई मर जाए या शादी हो तो उस केस में जो भी गैदरिंग होगी वो 50% से ज़्यादा और 50% से ज़्यादा यानी कि 100 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और मास्क नो सर्विस, मतलब मास्क लगाना मैंडेटरी है, सबको मास्क लगाना ज़रूरी है ताकि हम इसको हरा सकें। और जो भी COVID-19 वैक्सीनेशन डोज जो भी है इम्पोज्ड, अगर नहीं लगा रखा, मास्क नहीं लगा रखा, उसके पास COVID-19 वैक्सीनेशन नहीं है तो 500 रुपये का चलान होगा। और अगर इंस्टीट्यूशनल जो भी वायलेंस करेगी तो उसके ऊपर 5,000 का, और जो भी ये होगा इसमें कोई भी नॉन रिफंडेबल होगा इस टाइप का। और नाइट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की गई है, वो जो कि पहले से कर दी है, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट करा रही है उन्हें स्ट्रिक्ट इम्प्लीफिकेशन, जैसे स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है वो सब उन्हें फॉलो करना होगा। और उसके बाद प्रिवेंटिंग मेजर से उसे गाइडलाइन जो भी गवर्नमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। स्विमिंग पूल जो है वही सैनिटाइजेशन प्रॉपर किया जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी, रिलीजियस प्लेसेस में भी 50 से ज़्यादा नहीं आए। कॉरपोरेट ऑफिस में भी फुल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग हो। अगर कहीं पर ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से ये जो कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी आई है ये जो है आपकी 2 से 12 जनवरी अभी 10 दिन तक की जाएगी, ताकि आपका जो भी ये ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं वो सब उन पे कंट्रोल किया जाए। जैसे ही नया डिटेक्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई भी इसमें ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।